सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने तो छोड़ दिया था टॉपिक जिसका नाम था ऑटो टाइप कास्टिंग, वही को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट रखूंगा मैं ऑटो टाइप कास्टिंग को बताने के लिए। सो जो कोड मैंने आपको प्रीवियस में दिया था वही कोड मैं आपको मैं स्टार्ट करता हूँ और आज हम देखेंगे ऑटो टाइप कास्टिंग एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैं वही कोड के ब्लॉक फाइल में आ गया हूँ। आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे हमने डेट तक डेटा टाइप्स ऊपर कल के वीडियो में देख लिया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटो टाइप कास्टिंग एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑटो टाइप कास्टिंग। ऑटो टाइप कास्टिंग कैसे हो रहा है देखना। आप देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया, समझ लो str2 ऐसा कुछ तो वेरिएबल है, और मैंने ऐसा लिखा कुछ उसमें सोनू। अब आपको क्या लग रहा है, ये एरर देगा या फिर इसका आउटपुट आएगा? जब मैं ऐसा करूं console.log str2, ठीक है, अब मेरे को बताना इसका आउटपुट आएगा या फिर एरर करेगा। ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जल्दी से कमेंट कर लिया, ठीक है। अब देखना, अब मैं आपको बता दूं एरर नहीं देगा ये। अब ये क्या करता है देखना जरा, अब आपको देख के पता चल जाएगा। 16 सोनू, अब उसने क्या किया समझ रहा है? इंटरनली उसने एक काम किया, क्या किया? str वेरिएबल str2 इक्वल टू ये 16 को उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। उसके बाद उसने लिखा सोनू, खाली स्ट्रिंग को उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और उसके बाद उसने ये बना दिया, ये इंटरनली उसने कर दिया। इसके वजह से वो क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन गया। उसको ये बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, प्लस ऑपरेटर यूज होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, पर यहाँ पे टाइप कास्टिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन हुआ है, इसे बोलते हैं ऑटो टाइप कास्टिंग। समझ में आया? ऑटो टाइप कास्टिंग मतलब ऑटोमेटिकली असाइन हो जा रहा है उसका टाइप। सो ये होता है ऑटो टाइप कास्टिंग। यहाँ पे थोड़े और वेरिएशन होते हैं इसके, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या देखना अभी जरा, str3 लिखा मैंने यहाँ पे। अब मैंने कुछ थोड़ा इसमें ट्रिक करता हूँ, 20 लिख देता हूँ एंड उसके बाद प्लस करके सोनू लिखूं। अब मैं आपसे पूछूं इसका आउटपुट क्या आएगा str3 करके। अब मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना, पहले देखने से पहले इसका आंसर क्या आने वाला है। तो कमेंट कर दिया, ओके कमेंट कर लिया होगा आई होप। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मैं पहले बता दूं आपको। इसका आंसर आएगा इसका एडिशन देन कॉन्कैटिनेशन होगा। तो देखना, देखो 34 देन सोनू आया। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये प्रीवियस नंबर्स होंगे, दो नंबर्स होंगे, तो उसको पहले वो इंटरप्रेट करेगा एज नंबर। उसके बाद जब इसके साथ उसको एडिशन करना हो, कॉन्कैटिनेशन करना हो स्ट्रिंग के साथ, तब वो एज उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटिनेशन करेगा। तो उसने कैसा किया इंटरनली, जरा ध्यान देना। इंटरनली उसने क्या किया, वो गया यहाँ पे। अब उन दोनों को पहले इसे, इन दोनों को उससे पहले प्लस जो है आपको पता है बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब ये दोनों को पहले वो कंसीडर करेगा। उसने ये दोनों को देखा तो उसे लगा कि पूरा नंबर है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं, तो उसने नंबर को ऐड किया। अब फिर से ऐसा बन गया। अब ऐसा बनने के बाद उसने नेक्स्ट क्या किया, अब आपको मैंने ऊपर वाला केस आया तो उसने क्या किया 34, मतलब उसने स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया 34 को, ओके, और उसके बाद ऐड किया सोनू। सो इस तरीके से उसने इंटरनली वर्क किया, ओके। उसके बाद आपको ये दिखा 34 सोनू। अब इसका थोड़ा और वेरिएशन बताता हूँ। अब मेरे को आंसर बताना, एक str4 लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले स्ट्रिंग देता हूँ। अब देखते हैं किसको आंसर बताने आता है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे मैंने 20 दे दिया। अब मेरे को बताओ कि आंसर इसका क्या आएगा, ओके आंसर इसका क्या आएगा। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूँ, st4 लिखा मैंने, कुछ ऐसा नाम दे दिया है st4 इज ओके। अब बताना आंसर मेरे को क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक आंसर क्या आएगा? ये वाला मेथड लगाओ, ये वाला जो मैंने बताया, इससे आपको पता चलेगा आंसर क्या। कमेंट कर दिया आंसर कमेंट बॉक्स में, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो देखना आंसर क्या आता है, मैं पहले बता दूँ। अब वो पहले कंसिडर करेगा इन दोनों को देखेगा तो उसको पता चलेगा यार वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है, नहीं हो सकता, तो उसे कन्वर्ट करेगा इसे वो स्ट्रिंग में, तो
सोनू थ्री ऐड हो जाएंगे। अब सोनू थ्री में प्लीज फिर से वो स्ट्रिंग होगा तो 20 भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ऐड कर देगा, तो आंसर आना चाहिए सोनू 320, सोनू 320 आ गया। तो ये कैसे इंटरनली वर्क किया जरा ध्यान देना, जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या चल रहा है। देखना यहाँ पे इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। सोनू को देखा उसने, बाइनरी ऑपरेटर है प्लस, तो वो दो चीजों को देखेगा, तीन को, तब उसने कर दिया कन्वर्ट उसको तीन को स्ट्रिंग में। अब इसका आउटपुट आया, पहले उसको इसका आउटपुट है, सॉरी आउटपुट नहीं, आउटपुट आया सोनू 3। अब फिर से इसने प्लस देखा और इसमें देखा 20, फिर से 20 को कन्वर्ट कर दिया उसने स्ट्रिंग में एंड आउटपुट में लाया। क्या आपको पता है जैसे क्या आउटपुट देखा आपने? सोनू 320, सॉरी 3320, ये आउटपुट में आया था। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये इंटरनली उसने वर्क किया और आउटपुट को आपको आउटपुट दिया ये सोनू 320, आपने देखा जैसे। सो इस तरीके से वर्क कर रहा है बेसिकली आपका ऑटो टाइप कास्टिंग। आपको समझ में आया होगा ऑटो टाइप कास्टिंग कैसे वर्क करता है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक्सपोनेंशियल, क्या बोला था मैंने, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है देखना जरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो होता है वो बेसिकली 10 to the power के वे में दिखाने के लिए देता है। आपने देखा होगा ऐसा कुछ तो कि 10 into 10 to the power 5 लिखते हैं, तो इसे किस तरीके से प्रोग्रामिंग में मतलब जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है ये बताने वाला, वो होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखना आप, वेरिएबल ए इक्वल टू 1 into 10 to the power, अब लिखना है मेरे को तो कैसे लिखना, 1e 10 लिख देना, 1e 10, मतलब क्या इसका मीनिंग क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखना ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एक्चुअली में 1 into 10 to the power 10, ओके 10 to the power 10। सो e का मतलब 10 है एक्चुअली में, समझ लो, उसके बाद power 10 डाला है। आप देखना मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, उसके बाद ए का वैल्यू प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे देखना आ गया 10 to the power 10, 10 आया होगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके एक्यूरेट 10 आया। सो ये होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, एक और बना के दिखा दूँ आपको, मेरे को ये वैल्यू लेना है, उसके बाद मेरे को उसमें 10 to the power 5 कराना है, तो ई लिखूंगा और 5 लिख दूंगा। अब ये हो गया 10 to the power 5, कैसे देखना अभी कंसोल डॉट लॉग करके बताता हूँ इंटरनली कैसे वर्क करता है, मैंने दिखाया आपको। मैं बी लिखूंगा, अभी देखना 2 3 6 2, और उसके बाद एक और जीरो आना चाहिए, ओके उसको इंटू करता है ना, वो इंटू करता है, तो एक्चुअल में ये आएगा 1 2 3 4 5, 10 to the power 5। सो ये एक्चुअल होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है एंड ऑटो टाइप कास्टिंग कैसे चलता है। और आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई हो तो ये वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको समझ में आएगा ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बहुत सारे डेटा टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कितने डेटा टाइप्स एक्सप्लेन किए मैं आपको बता दूँ, प्रीवियस वीडियो में 10 डेटा टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए। सो वो वीडियो को भी जरा चेकआउट करना और मेरे ये प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ इसकी गिटहब की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।